बालकृष्ण भट्ट जीवनी। बालकृष्ण भट्ट आधुनिक हिंदी गद्य के आदि निर्माता और उपन्यासकार रचनाकार में से एक हैं। वे भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकारों में से हैं। वे हिंदी के आरंभिक युग के प्रमुख महान पत्रकार, निबंधकार, हिंदी की आधुनिक आलोचना के प्रवर्तकों में अग्रणी हैं। उन्होंने आधुनिक हिंदी साहित्य को अपने प्रतिभाशाली जनधर्मी व्यक्तित्व और लेखन से एक नवीन धरातल, नवीन दिशा और नया रूप रंग और मानस दिया है। इनका हम पूरा नाम जानेंगे तो इनका पूरा नाम बालकृष्ण भट्ट है। इनका जन्म जो है 3 जून 1844 ईस्वी को हुआ है और इनकी जन्मभूमि इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है और इनकी मृत्यु 20 जुलाई 1914 को हुई। इनके माता का नाम पार्वती देवी और पिता का नाम पंडित वेणी प्रसाद है। इनकी कर्मभूमि भारत, कर्म क्षेत्र हिंदी साहित्य, मुख्य रचना साहित्य सुमन, नूतन, ब्रह्मचारी, 100 अनाज 1 सुजान, बाल विवाह, चंद्रसेन, रेल का टिकट, खेल आदि। ये बहुत सारी भाषाएं के अध्ययन करते थे और ये जानते भी थे। तो भाषा में हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, बंगला और फारसी। प्रसिद्ध नाटककार, उपन्यासकार और निबंधकार। विशेष योगदान गद्य काव्य की रचना सर्वप्रथम बालकृष्ण भट्ट ने योगदान आरंभिक की थी। इससे पूर्व हिंदी में गद्य काव्य का नितांत अभाव था। जो गद्य विद्या आज पढ़ रहे हैं आप, उनका श्रेय बालकृष्ण भट्ट को जाता है। वो नागरिकता जो है वो भारतीय है। काल उनका जो है भारतेंदु युग है। तो अब हम बालकृष्ण भट्ट के बारे में बहुत कुछ जाने हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य के शीर्ष निर्माताओं में से थे। आज की गद्य प्रधान कविता के जनक माने जाते हैं। बालकृष्ण भट्ट एक सफल नाटककार, पत्रकार और उपन्यास निबंधकार तक हैं। भट्ट जी ने निबंध, उपन्यास और नाटक की रचना करके हिंदी को एक समर्थन शैली प्रदान की है। ये पहले ऐसे निबंधकार थे जिन्होंने आत्मपरक शैली का प्रयोग किया था। बालकृष्ण भट्ट को हिंदी, अंग्रेजी, बंगला, फारसी आदि भाषाओं का बहुत ज़्यादा जानकार माना जाता था। उन्होंने हिंदी साहित्य की विविध रूपों से सेवा की। लगभग 32 वर्ष तक हिंदी प्रदीप का संपादन कर भट्ट जी अपने विचारों को व्यक्तिकरण करते रहे। भारतेंदु युग के दीप्यमान मौन विभूति होने के साथ साथ द्विवेदी जी युग के लेखों के मार्गदर्शक और प्रेरणा स्रोत रहे। धन्यवाद।